हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुरियर इन्फॉर्मेशन सिस्के पे। तो आज हम कुछ रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं और हम ऐसे ही विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पढ़ाएंगे ताकि जो आप लोग डिमांड करेंगे, जो आप लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, मैं वैसे टॉपिक ज़्यादा ले लूँगा और जो लगेंगे मुझे कि आप लोगों को बताना चाहिए, आप जिन लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहे हैं तो मैं चाहता हूँ वही आपको टॉपिक दूँ जिसमें ज़्यादा आप लोगों की रुचि हो और इंटरेस्ट हो और क्वेश्चन में भी एग्ज़ाम में भी आए। तो चलिए बिना देरी के, और आप लोग हाँ ये वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक, ऐसे नहीं तो आना और चले जाना नहीं, मज़ा आएगा, फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन आपने अभी तक कोई वीडियो भी नहीं देखा या देखा है तो भी कोई बात नहीं, इस वीडियो में देखोगे तो मज़ा आएगा और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, क्या है आज हम पासा की बात करने जा रहे हैं, डाइस। क्या डाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें क्या देख रहे हैं, कुछ याद आया क्या देख रहे हैं? नहीं, डाइस देख रहे हैं क्या? पासा, तो हम आज डाइस देख रहे हैं, ठीक है। अब हम डाइस देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? डाइस, ठीक है, तो हम डाइस देखने जा रहे हैं। अब आप लोग, हम डाइस क्यों पढ़ने जा रहे हैं? जैसा कि आप लोगों ने देखा, ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में डाइस में, तो कुछ ऐसा आयताकार दे दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आयताकार प्रश्न। अब जैसे इसमें दिया जाए, आपने जैसे अगर लूडो देखा होगा कभी, क्या बोलते हैं लूडो, है ना, लूडो देखा होगा तो उसमें ऐसा दिया होता है, कैसा? ऐसा। तो अगर इसमें बूंदी रख दी जाए, जैसे एक है, ठीक है, दो, चार, पाँच, ठीक, छः, और आपसे पूछा जाए कि एक के सामने कौन सा है तो आप बता दोगे कि दो है, चार के सामने कौन है विपरीत तो बता दोगे एक है, ठीक है, चार के सामने कौन है तो बता दो कि तीन है। तो ऐसे इसमें क्या है, छः, जो छः परतें हैं वो सामने आमने सामने दिख रही हैं, लेकिन ऐसा क्यों एग्जामिनर पूछेगा? क्योंकि इसमें तो सभी दिख रहे हैं, सभी पता कर दोगे, तो इसलिए ये वाला एग्जाम क्या करेगा, ये एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछता है क्योंकि इसमें सभी जो परतें हैं वो दिखाई पड़ती हैं। एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन भी नहीं देगा क्योंकि इसमें भी वही है, एक है, दो है, तीन है, चार, पाँच और ये छः, इसमें भी सभी परतें क्या हो रही हैं, दिख रही हैं, तो इसलिए ये नहीं देगा एग्जामिनर। एग्जामिनर क्या करता है, इस टाइप के सवाल देता है। सबसे पहले तो एग्जामिनर किस टाइप के देता है, ऐसे आपको बनाना आता नहीं आता तो सीख लो, ठीक है, ऐसे करो और कुछ इस टाइप में देता है, तीन परतें दिखेंगी, ठीक है, तो ऐसे बनाएगा और ऐसे बनाने के बाद में क्या करेगा, कुछ इस टाइप में क्वेश्चन देगा और फिर पूछेगा कि ए है, क्या है ये, ए है, सी है और डी है, फिर इसमें बताएगा कि ए है, ए है और डी है और फिर पूछेगा सी है, एक सेकंड, डी नहीं, फिर आपसे पूछेगा कि इसमें क्या है, एफ है, एफ, अब बताइए इसमें कौन किसके विपरीत, अब पूछेगा इसमें जैसे पूछेगा कि एफ के विपरीत कौन है, तो इसमें ऐसे पूछ देगा एफ के विपरीत कौन है संख्या, एफ के विपरीत कौन सी संख्या है, तो एफ के विपरीत वो पूछेगा, तो आपको इसमें आंसर बताना होगा। तो इस टाइप में क्वेश्चन पूछता है, तो जो
एग्जामिनर है इस टाइप में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस टाइप में कुछ ऑप्शन नहीं देगा। तो सबसे पहले हम कुछ और चीज़ें भी जानते हैं इसमें, क्या जानते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें और भी एक चीज़ें जानते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या देखते हैं, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये वाले पासे का यूज कहाँ, ये वाले पासे का यूज नहीं एग्जामिनर करता ना, ये है क्योंकि इनमें छः की छः परतों दिखाई पड़ती हैं, इसलिए इसलिए पासे में तीन परतें दिखाई देती हैं उसका यूज एग्जामिनर करता है, उसके विपरीत पूछा जाता है। तो चलिए हम आगे, तो सबसे पहले क्या खासियत है इसमें हम देखते हैं। तो एक आंसर क्वेश्चन नंबर एक कि पहले में मानक पासा वह होता है, दो पासे होते हैं, एक मानक पासा जैसे वो लिया जाता है अपने पास, क्या होता है लूडो देखा होगा, लूडो उसमें छः परतें दिखाई देती हैं, छः परतें जैसे मैंने अभी दिखाया था, चलो यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, जैसे नहीं यार एक सेकेंड, बनाना भी सीख लेना ठीक है, एक सेकेंड में अभी मैं आप लोगों को बनाना भी सिखा दे रहा हूँ, ठीक ध्यान देना कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे बनता है ठीक है, इसमें छः की छः वो परतें आपकी दिखाई पड़ती हैं, दिखती हैं कि नहीं, तो छः की छः जो हैं आपकी वो परतें दिखाई पड़ती हैं, छः की छः वो परतें, तो इसलिए एग्जामिनर ये वाली नहीं पूछता। तो ये हो गया कैसे, ये वाला नहीं पूछता है। तो उसके बाद स्टैंडर्ड पासा क्या होता है, विपरीत देखना, स्टैंडर्ड पासा कैसे कहते हैं, स्टैंडर्ड पासा यानी मानक पासा, मानक पासा किसे कहते हैं, हम लोग मानक पासा देखते हैं, मानक पासा उसे कहते हैं जो संख्याओं का विपरीत योग सात होता है। जैसे लेट्स से एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मानक पासा किसे कहते हैं, इधर ले लेते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखते रहना ठीक है, मानक पासा हाँ, विपरीत संख्याओं का योग हमेशा कितना होता है, सात होता है। तो जैसे हमने एक ये ले लिया, आप लोग ऐसे बना सकते हो ठीक है, आप लोग भी ऐसे बना सकते हो, एक ऐसे चौकोना करो और इसका जोड़ ऐसे करो और ऐसे करके ऐसे, ठीक है इसको ऐसे जोड़ दो। तो जैसे अब जैसे कहते हैं यहाँ पर पाँच है ठीक है, पर पाँच है यहाँ पर ये है और वहाँ पर क्या है चार है, फिर इसमें क्या दिया है दो दिया है, क्या दिया है दो दिया है, दो दिया है इसमें, दो दिया है और इसमें क्या दिया है, इसमें क्या दिया है चार दिया है ठीक है। अब पूछ रहा है इसमें मानक पासा क्या होगा, तो इसमें देख सकते हो इन दोनों में, ध्यान से देखना इन दोनों में देखो, किसी में ये एक ही पासे के दो पहलू हैं, दोनों हैं दो पासे एक ही दो बार फेंके गए हैं ठीक है। तो ये सोचना अब पूछ रहा है इसमें कि बताओ दो के विपरीत क्या होगा, तो दो के विपरीत कौन सी संख्या होगी, दो के विपरीत संख्या कौन होगी, तो ये पूछ रहा है। तो हमेशा क्या होगा, तो मानक पासे में हमेशा क्या होता है, जो नज़दीक का पास का जोड़ कभी सात नहीं होगा, देखना इसमें जोड़ना कभी पाँच और एक, ये पाँच और एक कितना छः, नहीं छः हुआ और पाँच चार कितना हुआ नौ हुआ, इसमें भी सात नहीं हो रहा, लेकिन विपरीत का हमेशा, तो दो के पीछे कौन होगा हमेशा, तो पाँच होगा,
फिर इसमें चार के विपरीत क्या होगा, तीन होगा, छः के विपरीत क्या होगा, एक होगा। फिर इसमें अगर हम पाँच के विपरीत पूछे क्या होगा, तो दो होगा, और अगर एक के विपरीत पूछे तो छः, और चार के विपरीत तो तीन। तो ये स्टैंडर्ड पासा होता है, मानक पासा जिसे कहते हैं, साधा मानक पासा होता है। तो इसमें हमेशा विपरीत का जोड़, मतलब पीछे का, जैसे जैसे मानते हैं अब ये, अब इधर चार है तो इसके विपरीत, जैसे उधर का जो पर्त होगी, हमेशा एक पर्त के चार होते हैं। जैसे लेट्स से एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अब फिर यहाँ पर एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्या बता रहे हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पर ये लिया, ठीक है, बना रहा हूँ, यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक, कोशिश कर रहा हूँ बनाने की आपको समझाने के लिए। तो ठीक है, तो जैसे ये मानो, ठीक है, ये छह परतें हैं, तो ये छह परतें हो गई। अब ये छह परतें हैं, अब ये बताओ, जैसे इसमें पूछा जाए, भर दिया जाए दो, ठीक है, एक, पाँच, छः, चार, और इधर इधर तीन आ गया, ठीक है। अब पूछा जाए दो के विपरीत क्या है, तो बता दोगे क्या होगा, दो के विपरीत क्या होगा, चार होगा, एक के विपरीत छः होगा, पाँच के विपरीत क्या होगा, पाँच के विपरीत क्या होगा। तो ऐसे ही पाँच के विपरीत एक होगा, ऐसे ही संख्याओं का पता लग जाता है। लेकिन हमेशा इनका जोड़ सात माना जाए, कुछ भी संख्या हो मानक पासा में, क्योंकि इसका पास का जोड़ जो होता है नज़दीक का जोड़, कभी यहाँ पर देखना, इसका जोड़ मानक पासे में कभी नज़दीक का जोड़ हमें सात नहीं होगा, मानक में नज़दीक का जोड़ सात नहीं होगा। क्या होगा, सात नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है, विपरीत का हमेशा सात रहेगा। चलो अब समझता हूँ, ये समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखना, जैसे विपरीत के संख्याओं का योग हमेशा सात होगा, ये स्टैंडर्ड पासा है, ठीक है, क्या है, स्टैंडर्ड पासा है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, और तो यह का विपरीत क्या हमेशा, अब पूछा जाएगा कि इसमें तीन के विपरीत क्या होगा, पूछा जाए तीन के विपरीत क्या होगा, तो आप भी बता सकते हो तीन के विपरीत हमेशा क्या होगा, सात होगा, क्या होगा, सात होगा। तो तीन के विपरीत सात होगा, पूछा जाए पाँच के विपरीत क्या होगा, तो पाँच के विपरीत दो होगा, क्योंकि आपको पता है हमेशा विपरीत का जोड़ सात आएगा। और फिर पूछा जाए छः के विपरीत क्या होगा, तो छः के विपरीत एक होगा, क्योंकि सॉरी यहाँ पर ये वाला मिस्टेक से कुछ और लिख गया है, ये वाला यहाँ पर विपरीत क्या होगा, इसके तीन के विपरीत में चार होगा ना, चार, चार तीन सात होगा, इसका जोड़ कितना आ रहा है, सात आ रहा है, इसका जोड़ कितना आ रहा है, सात आ रहा है, इसका जोड़ छः और एक का कितना आ रहा है, तो ये सात आ रहा है। ऐसे इसमें पूछा जाए तो कितना होगा, एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा, तो पूछा जाए एक के विपरीत छः, और यहाँ पर पाँच है, पाँच के विपरीत एक, तीन के विपरीत चार, तो इनका भी जोड़ कितना आएगा, सात आएगा, और इसका भी सात आएगा। तो ये आपको मिल गया मानक पासा, ठीक है। अब तो कोई डाउट नहीं, अब आप लोग कर लोगे, कर लोगे तो जरा बताना मुझे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, बताना इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। ये भी मानक पासे का है, मानक पासा। अब भी इसे बनाना सीख लो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस करो खुद, वीडियो पॉज करके, ठीक है, फिर मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा। ये पहला है,
ये सवाल पहला है, ये दूसरा है। इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें इसमें 2 है, इसमें 6 है, ठीक है, और इसमें 1 है, इसमें 4 है, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 4, इसमें 5। अब इसमें पूछा जाए, इस वाले में बताना मुझे, पहले वाले में बताना इसमें 2 के विपरीत क्या होगा। 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, और इसमें बताना 4 के विपरीत, 4 के विपरीत बताना कौन सी संख्या होगी, ठीक है। ये मानक पासा हो गया। अब हम चलते हैं स्टैंडर्ड पासा पर। जो गैर स्टैंडर्ड पासा है, यानी नॉन स्टैंडर्ड पासा है, जो गैर मानक पासा है, गैर मानक पासा नजदीक का जोड़ हमेशा साथ होगा। तीन पासों में क्या है? तीन पासों में जमीन पर पासे फेंके गए, तीन पासे जमीन पर फेंका गया, उनकी ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का योग कितना है? 15 है। ऊपरी संख्याओं का योग 15 है। तो बता रहे हैं कि निचली सतहों पर आई संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ये पता है कि गैर स्टैंडर्ड पासा है, ये कौन सा है? नहीं, ये भी मानक पासा ही है। हाँ, ये भी मानक पासा है। अब बता कह रहे तीन पासे फेंके गए हैं, तो तीन पासे हैं जैसे ये हैं, ठीक है, तीन पासे फेंके गए हैं, तो इनका पहले बात तो पता है कि तीन पासे फेंके गए हैं तो कितने होंगे? ऊपर आई संख्याओं का योग कितना है? 15 है ना, कितना है? 15 है। तीन बार फेंके गए तो पांच पांच आया होगा, तभी तो 15 आया होगा। तो यहाँ पर कितना है? 15। कितना है? 15। हम जरा इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका तीन पासे फेंके गए, माना एक ये पासा है, उस पर पांच आया, तीन बार फेंके गए तीन पासे, तो पांच पांच आया है। तो ऊपरी परत हम मान लेते हैं इसकी, ऊपरी जमीन पर फेंका गया, ऊपरी परत, ये ऊपरी परत की बात कर रहा है। ऊपरी जो सिक्का होता है उसका जोड़ कितना है? 15। योग, योग माने 15 जोड़ तो होता है ना टोटल, ठीक है। और दूसरे में अगर देखा जाए कितना, पांच पांच कितना, 6 5 11 और 4 14, तो इसका भी 15 आया है ना, 15 आया। या तो ये आया आ सकता है, या तो 4 4 8, 8 6, 8 6 कितना होता है, 8 6 14 होता है। तो ये नहीं आएगा, पांच है, ठीक है, 5 4 9 6 15 है, तो 15 आया होगा। क्या 15 है? यही आ सकते हैं, और क्या आ सकते हैं, इसके अलावा कोई आ ही नहीं सकता है, 15 ऊपर जोड़, ठीक है। तो हम ये 15 मानते हैं, और लेकिन तीन पासे हैं, तो बताता हमेशा विपरीत का जोड़ हमेशा सात होता है। क्या होता है? सात होता है। तो तीन पासों का ये मानो मानक पासा है, तो ऊपर की बात कर रहा, तीनों पासों का जोड़ मान रहा है। तो एक सिक्का ये है, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, तो फिर जैसे जैसे ये मानते हैं, ये तीन सिक्के हैं, एक पहली बार फेंका गया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी, तीनों सिक्कों पर हैं, तो ऊपर का जोड़ कितना आ रहा? 5 आ रहा, 5 5 3 15, 15 आ रहा। लेकिन अगर हम सात जोड़ मानते हैं, तो फिर विपरीत का हमेशा क्या आएगा? जोड़ सात आएगा। तो तीनों में हम सात के हिसाब से मानते हैं, तो सात सात प्लस सात प्लस सात कितना आना चाहिए? 21 आना चाहिए ना, 21 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? तो फिर विपरीत का पता लग जाएगा कि ऊपर का जोड़ अगर सात है, 15 आया है, तो नीचे का क्या होगा? -21 में से क्या करोगे? 15 घटा दो भाई, टोटल सात सात आता है विपरीत का हमेशा।
तो सात सात यानी ऊपर का जब 15 है तो नीचे का टोटल तो 21 होंगे, और 21 में से क्या करोगे, ये वाले 15 वाले घटा दोगे यहाँ से 21 में से, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर भैया कितना आएगा, यहाँ पर आएगा कितना, 6 आएगा आंसर, कितना 6 आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मानक पासे का, ठीक है। तो उसमें से घटा सकते हो, यानी पहली बार फेंका गया तो 5 5 आया होगा, ज़्यादा से दोबारा अगर फेंका गया तो 5 6 4 वाला आ सकता है, और क्या आएगा, या 5 4 6 आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है, तो ये आ सकते हैं टाइप। फिर उसके बाद है नॉन, चार मानक पासों को क्या किया गया है, चार मानक पासों को जमीन पर फेंका जाए यदि उनकी ऊपरी सतहों का, देखना फिर पूछा गया ऊपरी सतहों पर आई संख्याओं का योग कितना है, 16 है, कितना है, 16 है, और निचली सतहों पर आई संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको फिर पूछना है, क्या दिक्कत, ऊपरी सतहों का कितना बता रहा, 16 बता रहा है, तो भाई क्या क्या आ सकता है ये बताओ। हमेशा विपरीत का जोड़ सतह के कितना आता है, तो 7 आता है, माना कुछ भी भेजा गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 7 7 आ गया है, तो 4 फेंके गए ना, तो 4 के जोड़ लो, 4 के यार कैसे जोड़ोगे, ऐसे जोड़ो, +7 +7 +7 +7, ठीक है, गुणा करके भी जोड़ सकते हो, तो 7 चौक 28 कितने हुए, टोटल टोटल कितने हुए, 28। हम मान लेते हैं कि टोटल कुछ भी संख्या हो, पूरे ऊपरी सतहों की जो विपरीत होगी उसकी 28 टोटल आएगी, चाहे जो आए चारों में, अगर आएगी तो 28 आ सकती है। तो वो बोल क्या रहे हैं महोदय, 16 ऊपरी सतहों का 16 अंक है, कितना, 16 ऊपर जो आए, तो यानी फिर ऊपरी है तो निचले स्तर पर कितने होंगे, मतलब यार ऐसा नहीं होता है कि अगर ऊपर 1 आए तो फिर नीचे नीचे 6 होगा, ऊपर अगर 5 है तो नीचे 2 होगा, तो अगर ऊपर ज़्यादा आ गया तो नीचे कम पड़ जाएगा ना, तो वैसे ही है, नीचे अगर 16 आ गया तो ऊपर टोटल 28 हैं, तो क्या करोगे, इसमें से 16 घटा दो, 16 घटा दोगे तो कितना आएगा, 16 घटा दोगे तो कितना आएगा, 8 4 12 कितना आएगा, 12 आएगा, 12 क्या आया, ये 12 आंसर आ गया। तो ये है मानक पासाओं का, ये यहाँ तक खेल था, तो आपके समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा हो तो बताना, ठीक है, मैं एक ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको करके बताना, क्वेश्चन ठीक है, बस एक कमेंट बॉक्स में करके बताना मुझे। 5 5 मानक पासों का, 5 मानक पासों का ऊपरी फेंके गए, 4 मानक पास से फेंके गए, और उनकी संख्याओं का योग योग कितना है, 18 है, तो निचले सतहों पर आई संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आप लोग आंसर बता सकते हैं, और थोड़ी मैं आपकी हेल्प भी कर देता हूँ, ठीक है, आपकी मैं हेल्प भी कर देता हूँ। 5 मानक पासे हैं,
ठीक है, कितने हैं? पांच मानक पासे हैं। पांच मानक पासे हैं। विपरीत का हमेशा जोड़ सात आता है। क्या आता है? सात आता है। अब आप लोग सॉल्व करके मुझे उस तरफ बताइए, ठीक है? आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है? ये आप लोगों का काम। अब फिर है नॉन स्टैंडर्ड, क्या है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड पासा, गैर गैर मानक पासा है। ऐसे पासा जिनमें किसी भी दो सतहों का, दो निकटतम संख्याओं का, जैसे दो निकटतम संख्याओं का योग हमेशा सात होता है, निकटतम, वो मानक पासा में विपरीत का होता था। क्या होता था? विपरीत का होता था, पीछे का होता था। लेकिन गैर मानक जो पासा है, गैर मानक पासा किसे कहते हैं? जिसका जोड़ हमेशा सात का होता है। देखो इन दोनों में देखो, इसमें किसी के में जोड़ में आ रहा है नज़दीक का जोड़? हाँ, इसका आ रहा है जोड़ सात, फिर इसका आ रहा है, इसका भी जोड़ आ रहा है सात, और इसका भी जोड़ सात आ रहा है। तो यानी ये क्या है? ये गैर मानक पासा है ना? तो ये गैर मानक पासा है। तो अब पूछा जाता है कि ये बताओ कि पांच के विपरीत क्या होगा? पांच के विपरीत, पांच के विपरीत नहीं, छः, चार के विपरीत क्या होगा? तो बताइएगा, चार के विपरीत क्या होगा? चार के विपरीत क्या होगा? क्या होगा बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो पहली बात तो एक चीज याद रखना, जो चीज नजदीक होगी वो विपरीत होगी नहीं, ठीक है? जो नजदीक होगी वो विपरीत नहीं होगी। तो इसका एक और फॉर्मूला है, कॉमन संख्या है। कॉमन संख्या क्या है? पाँच तीन इसमें है, पाँच तीन इसमें है, पाँच तीन इसमें है, पाँच तीन इसमें है। देखना, कॉमन मिल रही है, कॉमन संख्याएं मिल रही है ना, दोनों एक ही जैसी। तो ये कॉमन कॉमन संख्याएं मिल गई, तो बच्चा कौन? ये दो बच्चा यहाँ पर महोदय। ये इसके विपरीत क्या होगा? चार होगा। इसके विपरीत क्या होगा? चार होगा। तो चार के विपरीत पूछा गया, चार के विपरीत क्या होगा? दो होगा। ये आपका आंसर आ गया, बस ऐसे ही करना है, ठीक है? फिर इसमें पूछा है रूल नंबर थ्री क्या बता रहा है? नियम तीन है, निकटतम का नियम। जो संख्याएं निकटतम है वह कभी विपरीत नहीं होंगी। क्या होंगी? विपरीत नहीं होंगी। इस सवाल को सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है? एक बार लिख लेना, अपने नोट कर लेना। रूल ऑफ थ्री, ओनली नॉन स्टैंडर्ड, केवल गैर मानक पासा में है, ठीक है? नॉन पासक माना में, नॉन मानक पासा है, गैर मानक पासा है। तो निकटतम का नियम क्या कहता है? ये थ्री जो नियम है क्या कहता है? निकटतम का नियम, जो संख्याएं पास में होंगी। देखना, जैसे ये एक संख्या कॉमन इसमें कौन सी है, लेता हूं जरा, एक संख्या जैसे चार है, ठीक है? इसमें एक संख्या कॉमन कौन है? ये है। इसमें एक कॉमन है, इसमें एक कॉमन है, ठीक है? बाकी कोई नहीं, इसमें एक कॉमन है। पूछा जाता क्या है? चार के विपरीत कौन है? क्या चार के विपरीत कौन है? तो इसमें पूछा गया है चार के विपरीत, अपोजिट, या विपरीत या अपोजिट कौन होगा? तो चार के अपोजिट आपको बताना है कि इस चार के अपोजिट कौन होगा, ठीक है? तो नजदीक का नियम क्या कहता है? नजदीक का नियम क्या कहता है? निकटतम का नियम क्या कहता है? जो नजदीक है क्या है, इधर ध्यान से देखना, ठीक है? कहता है जो निकटतम है वह कभी, जो निकटतम है वह कभी क्या होगा? जो निकटतम है वह कभी विपरीत नहीं होंगी। क्या होंगी? विपरीत नहीं होंगी। जो निकटतम है वो कभी विपरीत नहीं होंगी। तो फिर क्या करते हैं, एक तरफ लगाते हैं, चार के पास में कौन है? तीन नहीं होगा, तीन नहीं होगा, और दो नहीं होगा।
फिर इसमें चार के नज़दीक कौन है? छः नहीं होगा, और कौन नहीं होगा? एक नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, यदि चार के विपरीत दो नहीं होगा, छः नहीं होगा, एक नहीं होगा, तो चार के विपरीत कौन होगा? तो चार के विपरीत पाँच होगा। क्या होगा? पाँच होगा। तो ये आंसर आ गया, चार के विपरीत क्या होगा? पाँच होगा। अब इसमें यही रूल इसमें भी है। इसमें ये रूल क्या कहता है? एडजस्टमेंट रूल, निकटतम का नियम। निकटतम का नियम क्या कहता है? अब इसमें पूछा गया है कि इसमें बताओ, छः के विपरीत कौन होगा? 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 ठीक है, तो ये बताना है, छः के विपरीत। ये पाँच है, ठीक है, पाँच। तो छः के विपरीत पूछा गया, तो फिर वही लगाओ, छः ये है, कॉमन छः है, ठीक है। इसके अलावा कोई कॉमन संख्या है? नहीं है। तो ये इसका निकटतम का नियम लगाओ, जैसे इसमें लगाया है। तो यहाँ पहले इसमें लगाते हैं, छः के नज़दीक एक नहीं होगा, तीन नहीं होगा, और फिर कौन सा है? छः के विपरीत चार नहीं होगा, छः के विपरीत पाँच नहीं होगा, तो फिर कौन होगा? दो होगा। तो छः के विपरीत बचा कौन? दो होगा। कौन होगा? दो होगा। तो छः के विपरीत क्या होगा? दो होगा। दो होगा किसके? छः के विपरीत। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको करने का मन हो, मुश्किल तो कोई नहीं है। तो आप लोग कर सकते हो, क्या कर सकते हो? आप लोग कर सकते हो। फिर हम लोग चलते हैं। चलो इसमें और कुछ भी सवाल कर लेते हैं, इसे तो होते हैं बाद में कराएंगे, लेकिन एक सवाल और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं, जरा मुझे बताना इसमें क्या आंसर होगा, ठीक है? ये आप पर छोड़ता हूँ, फिर उसके बाद में हम कराएंगे। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, जरा मुझे बताना, ठीक है? लिखाएंगे नहीं ज़्यादा, बस इसे बता रहे हैं, जरा मुझे बताना। एक क्वेश्चन है आपके पास, मैं दे रहा हूँ। बनाना पासा सीख लो, ठीक है? आप लोग भी पासा बनाना सीखो, ऐसे से बनाओ, एक चौकोर और ऐसे, फिर साइड की हल्की बड़ी रखना, प्रॉपर नहीं रखना, ये हो गया, ठीक है? अब आप बताओ, इसमें से ए सी डी और डी ई ई सी, ठीक है? अब मुझे बताना, इसमें सी के विपरीत कौन होगा? किसके? सी के विपरीत कौन होगा? सी के विपरीत कौन होगा? ठीक है, कौन संख्या होगी? कौन होगा? आंसर करके बताना हमें, ठीक है? और एक और क्वेश्चन ले लो। एक और क्वेश्चन है,
तो ये आप लोग क्या करना, आप लोगों को हल करना है, ठीक है। 2 4 3, ये 3 है यार, ये ठीक है, ये 3 है। तो ये सवाल है, आप इसको मुझे बताना इसमें, ठीक है। ये दोनों एक ही हैं, एक ही दो बार फेंके गए हैं, ठीक है। 2 आपको दिए गए हैं, अब मुझे इसमें बताना, इसमें मुझे बताना कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। जब मुझे तो ये मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे सॉल्व करना, वैसे कि कुछ बताना हमें इसका आंसर क्या होगा। एक मिनट, बताना इसमें सी के विपरीत क्या होगा, ठीक है। सी के विपरीत, और इसमें ठीक है, तो आपको इसमें बताना है ई के विपरीत क्या होगा, किसके, ई के विपरीत, ई के विपरीत, ई के विपरीत बताना है, नंबर 2 में, 3 में, सॉरी। अब आपको इसमें बताना है, प्लस का निशान है, ठीक है। ट्रिकल है,
ये भी प्लस है, ये क्या है प्लस और ये इक्वल है। आपको इसमें बताना है, आपको इसमें बताना है आपको इसमें बताना है कि डॉलर डॉलर के विपरीत क्या होगा, डॉलर के विपरीत। ठीक है, डॉलर के विपरीत बताना है। आपको इसमें बताना है इक्वल के बराबर क्या होगा, इक्वल के विपरीत। ठीक है, तो ये रहे आज के क्वेश्चन, और बताइएगा, लगा के कोशिश करिएगा, फिर मुझे बताइएगा आपको कैसे सवाल लगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आएंगे और मज़े आएंगे। और ये बताना किस फार्मूले से लगा, फिर मैं आपको, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और शेयर भी अपने दोस्तों को करना, मज़ा भी आएगा सवाल लगाने में। और कोई भी सवाल आप सॉल्व करना, ना सवाल हो, अभी एक और क्लास होगी, उसके बाद आपको सभी सवाल इसमें के हो जाएंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आज हमने क्या क्या किया, आज हमने स्टैंडर्ड पासा भी समझ लिया, मानक पासा समझ लिया, और विपरीत, इसी के विपरीत क्या होगा इसकी प्रैक्टिस भी कर ली, निकटतम का नियम मैंने देख लिया, और नॉन स्टैंडर्ड पासा गैर मानक पासे को देख लिया क्या फार्मूला होता है। फिर हमने देखा क्या मानक पासे में संख्याओं का योग 18, और इनका देख लिया मानक पासे में कैसे क्या होता है। तो ये हमने आज सीखा, क्या सीखा आज हम लोगों ने, मानक पासा, नॉन स्टैंडर्ड पासा और कुछ फार्मूले सवाल भी सीखे। तो आज आप लोगों को समझ में आए होंगे, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आए होंगे और मस्ती के साथ आप सीख रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और फिर मिलेंगे। आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मज़े के साथ सीखिए, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।